वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यूर गुड आज ट्वेंटी ट्वेंटी फ्राइडे पता भी नहीं चलता है कब सैटरडे संडे आ जाता है, है. चीजें इतनी बिजी है अभी बट एनी वे दट ए गुड थिंग आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव कोट के साथ uh, पॉजिटिव कोट है देर इज नो हैपी अर्सन देन ए ट्रूली थैंकफुल एक ऐसा व्यक्ति जो कुदरत को या फिर जो भी सिचुएशन है भगवान कहें आप कुदरत कहें तो वी वी शुड बी थैंकफुल थैंकफुल यानी कि जो भी आपने मुझे दिया है जो भी इस सोसाइटी ने या फिर इस ब्रह्मांड ने जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है जो भी आपको मिला है वो आपके लिए पर्याप्त है दैट इज मोर देन इनफ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे जो गोल्स हैं जो हमारे एस्पिरेशंस हैं जो हमारे एंडेवर्स हैं तो उनके बारे में उन उनके उनके साथ जुड़ी हुई प्रिपरेशन हम छोड़ दें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ये जो कोट है उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है जो पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे पास हैं उसको हम अप्रीशिएट करें प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मली अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर होगा कोई एक बहुत अच्छी कार लेकर कहीं से निकला देने से एक ये कार हमारे पास कब आएगी किसी को आपने किसी के फेसबुक के ऊपर आपने स्विट्ज़रलैंड की तस्वीरें देखी कि वो वहाँ पर घूमने गए थे देन यू विल फील के हम कभी भी स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाए या फिर कब जा पाएंगे एंड यू नो रादत दैन कि आप बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग जगह पर ऑलरेडी जा चुके हैं तो वी शुड अप्रीशियट वट एवर वी हैव इन लाइफ एक बार अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें राइट एक बार अगर ये हमारा सेकंड नेचर बन जाए तो हम बहुत खुश हो सकते हैं इसी के साथ फ्रेंड्स स्टडी आई क्यू ने एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर हम एक इंस्टॉलमेंट का ऑफर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इसकी लास्ट डेट है थर्टी फर्स्ट मे ज्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर फोन और स्मार्ट कोर्स के साथ सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक प्लीज मेक श्योर यर फ्रेंड्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस एनालिसिस की आवश्यकता है तो उनके साथ ये लेक्चर शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर यूट्यूब चैनल आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल पांच इंपॉर्टेंट आइटम्स एक कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ है जो स्ट्रैटेजी है कोरोना वायरस की उसके साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है इंडिया नेपाल रिलेशन्स आज फिर से हमारे टेबल के ऊपर हैं एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़े हुए एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे फिर दो जो आर्टिकल्स हैं ये इंडिया और चाइना के साथ जुड़े हुए हैं तो लेट्स स्टार्ट अपर डिस्कशन विद अर्बन बैटल ग्राउंड ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर भी ये जो अर्बन बैटल ग्राउंड हैं यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है तो इस टॉपिक के बारे में एक न्यूज़ आइटम आपको फर्स्ट पेज के ऊपर पढ़ने को मिलती है अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये हैं कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका नाम है राजीव गोबा तो राजीव गोबा साहब ने एक इंटरेक्शन किया एक प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंस की तेरा शहरों के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ ये तेरह सिटीज जो है, ये हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि भारत के टोटल कोरोना वायरस के सेवेंटी परसेंट केसेस जो हैं वो आपको इन शहरों में देखने को मिलते हैं तो दे आर बेसिकली यू कैन से हॉटस्पॉट ये थर्टीन सिटीज जो हैं वो क्या है ये कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स हैं एक चीज हम जो इसमें से समझ सकते हैं वो ये भी है कि अब सरकार ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली ये तेरह शहरों के बारे में तो इनके ऊपर फोकस किया है तो अब हमारा जो फोकस है वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के ऊपर हो चुका है ऐसा लग रहा है मान लीजिए कि ये एक पूरा बड़ा शहर है अब इस बड़े शहर में दो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हैं तो बाकी की पॉपुलेशन का क्या कसूर बाकी की पॉपुलेशन को अगर हम इस तीन ये जो एरियाज़ हैं इन तीन एरियाज़ को अच्छी तरीके से एक प्रकार के क्वारंटीन में डाल दें या फिर इनको कम्प्लीटली इन एंड आउट जो हैं वहाँ पर बंद कर दें नेसेसरी आइटम्स उनको पहुँचाई जा सकती हैं लेकिन बाकी का जो पूरा शहर है इसको अगर हम ओपन कर दें तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो सकती हैं एज वी ऑल नो मैंने इससे पहले भी बताया है कि जो हमारे शहर हैं हमारे जो सिटीज़ हैं ख़ास करके बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक इंजन हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजिन हैं ये अगर ये स्टार्ट नहीं हुए तो जो एक स्पीड हमें चाहिए वो स्पीड हमें नहीं मिलेगी दूसरा जो चिंता का एक विषय है वो ये है कि एक लाख केस तक पहुंचते वक्त या फिर एक लाख केसेस तक पहुंचते हुए हमें लगे कुछ हंड्रेड एंड नाइन डेज लेकिन पचास हजार एक्स्ट्रा एक लाख के ऊपर जो पचास हजार केसेस हैं वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ नौ दिन ही लगे तो स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज होती जा रही है एक अच्छी बात यह है कि भारत का जो फर्टालिटी रेट है वो काफी कम है टू परसेंट ही है वैसे अभी देखा जाए तो जो टेन एसी मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं दस सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो हैं उसमें से सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट अगर किसी का है फिलहाल तो वो है हमारे देश का केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं इसके पीछे एक पॉजिटिव चीज ये भी हो सकती है कि हमने बहुत सारी टेस्ट्स करने की शुरुआत भी कर दी है लेकिन गुड न्यूज़ तो यही है कि मोर्टालिटी या फिर फर्टालिटी रेट जो है वो कम है बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको लिफ्ट किया गया है लॉकडाउन 4.0 जो है वो लॉकडाउन 1.0 से काफ़ी डिफरेंट है वर्क प्लेसिस की बात करें फिर शॉप्स की बात करें इनफैक्ट तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें जो हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी हैं कर्नाटका में थिएटर्स को खोलने की परमिशन की डिमांड की जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी अलग अलग जगह पर अलग अलग डिमांड जो है, वो सामने आ रही है। तो धीरे धीरे जो हैं वो बैक टू नॉर्मल होते जा रहे हैं और हमें इनको करना भी पड़ेगा प्रॉब्लम अगर हमें कहीं पर देखने को मिली है तो ये हैं यू नो कम्यूटेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन में एज वी ऑल नो कि एयरपोर्ट्स पर क्या हुआ था फिर श्रमिक जो ट्रेन्स हैं मजदूरों की ट्रेन्स तो वो भी बहुत ज़्यादा डिले हो गई बहुत सारी जगहों पर तो एक प्रकार का वायोलेंस भी हमें देखने को मिला बस सर्विसेज के भी काफ़ी इश्यूज़ हमें देखने को मिले हैं तो एक चीज़ ये जो थर्टीन सिटीज़ हैं जो सेवेंटी परसेंट जितने हमारे टोटल कोविड नाइन्टीन केसेस यहाँ पर हैं तो यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं हमें रीओपनिंग करना है राज्यों का करना है शहरों का करना है दिस इज़ इम्पोर्टेंट लेकिन ये जो तेरह ऐसे सिटीज़ हैं यहां पर और खास करके उनके जो क्लस्टर्स हैं उनके जो वो एरियाज हैं जहां पर कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि दो चीजें जो हैं वो फॉलो करें एक है मास्क पहनना और सिर्फ मास्क पहनना पर्याप्त नहीं है मास्क एटिकेट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने मास्क पहना है लेकिन आप मास्क एटिकेट्स फॉलो नहीं करते तो कोई काम नहीं है मास्क का और दूसरी चीज है टेस्टिंग कंटिन्यूस रेगुरस टेस्टिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए तो इस प्रकार की सिचुएशन हमें क्रिएट करनी होगी राइट आई फाउंड दिस इमेज वेरी इंटरेस्टिंग तो ये परफेक्टली फिट बैठती है ये इमेज कि बाकी का शहर जो है उसको छोड़ दे शहर के जो ऐसे एरिया से जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हैं तो उनका एंट्री और एग्जिट जो है वो आप कंट्रोल्ड रख दें सर्वेलेंस रखें उसके ऊपर हाँ खाने पीने की चीज़ें ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहनी चाहिए जितने लोग घर बैठकर काम कर सकते हैं तो Uh, वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर होनी चाहिए और वे सारे लोग जो घर बैठकर काम नहीं कर पाते तो अब एक एरिया जो है वो बहुत ही छोटा हो चुका है तो यहाँ पर एक टारगेटेड बेनिफिट्स जो हैं वो भी हमें प्रोवाइड करने चाहिए इसी के साथ साथ विलेजेस के ऊपर भी हमारा सर्वेलेंस जो है वो हमें रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब शहर से गाँव की तरफ वापस जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे फिर गाँव तक ये कोरोना वायरस जो हैं इसके केसेस बढ़ते जाएँ डियर फ्रेंड्स in कुछ दिनों पहले हमने इंडिया नेपाल रिलेशनशिप रिलेशनशिप के बारे में विस्तार से चर्चा की थी तो अगर आज आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो दो तीन दिन पहले की हमारी जो डिस्कशन है उसको आप देख लीजिएगा एक इजी तरीका यह भी है कि आप पिछले कुछ दिनों की जो पीडीएफ्स हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए पी को आप क्विकली अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस तारीख पर हमने ये नेपाल वाला टॉपिक जो है इंडिया नेपाल वाला टॉपिक उसकी विस्तार से चर्चा की थी तो उस पर्टिकुलर वीडियो में वो जो पोर्शन है उस पोर्शन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए उसके बाद ही इस डिस्कशन को सुनिएगा वरना आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता नहीं चलेगी आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट आज मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि दो तीन दिन पहले की ही बात है कि हमने इसको डिस्कस किया था तो आप देख लीजिएगा प्लीज़ ओके ट्रीटी ऑफ सुगोली के बारे में आप जानते हैं 1816 में ये साइन हुई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और हमने इस चीज़ को भी समझा था कि नेपाल एक युद्ध हार चुका था ब्रिटेन के सामने या फिर जो उस टाइम की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके सामने तो फिर नेपाल का जो एक क्षेत्र बहुत बड़ा था सिक्किम तक था सिक्किम इन द सेंस के जो तीस्ता रिवर है वहाँ तक और ऊपर सतलज रिवर तक एक्सटेंड मीन्स नेपाल हुआ करता था लेकिन ये 1816 से पहले जो उनका एक युद्ध हुआ और वो हार गया नेपाल तो नेपाल आज जो है वो नेपाल तब से लेकर आज तक उतना ही रहा है और वहाँ के राजा महाराजा एक्सेट्रा जो हैं उन्होंने भी ये ट्रीटी जो है उसको मीन्स इस ट्रीटी में क्लियरली दिया गया है कि फिर आपकी जो फ्यूचर की जो जनरेशंस हैं वो भी इस बॉर्डर्स को मानेगी अब इंडिया और नेपाल के बीच में फिर से ये टॉपिक जो है ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है और कालापानी को हमने लोकेट किया था एग्जैक्टली कहाँ पर हैं और ये एक प्रकार का यू you नो know, ये लिपू लेक पास जो हैं उसके नज़दीक में हैं लंबे टाइम से भारत और तिब्बत के बीच में जो ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है तो उसका एक रूट रहा है इंडिया और चाइना ने इसको एक्सेप्ट किया है और बॉर्डर ट्रेड के लिए भी ये कालापानी का एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर योर रेफरेंस मैंने यहां पर एक मैप रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर तो ये वाला जो पोर्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं राइट right? तो देखिए लिपुले के पास काला पानी तो ये है उत्तराखंड और नेपाल की जो ये उत्तराखंड और नेपाल ये रहा नेपाल तो इनकी जो बॉर्डर है इस पोर्शन के साथ जुड़ी हुई ये पूरी डिस्कशन है अब के पी शर्मा ओली जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के तो उन्होंने नेशनलिज्म एक राष्ट्रवाद नेपाली राष्ट्रवाद और भारत एक यू नो डोमिनेंट कर रहा डोमिनेंस कर रहा है नेपाल को थोड़ा ऐसा दबाने की कोशिश कर रहा है नेपाल को यू नो एग्रेसिव तरीके से उनके साथ अन्याय कर रहा है तो ऐसी एक पूरी इमेज जो है उन्होंने क्रिएट की है दिस इज़ नॉट राइट नॉट राइट फॉर बोथ नेशंस दोनों देशों के लिए ये अच्छी बात नहीं है हमारे रिलेशनशिप जो है वो हमने डिस्कस किया था कि रोटी बेटी का रिलेशनशिप है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर हम इसको इतना ज़्यादा फ्यूल दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं देखिए प्रॉब्लम्स की शुरुआत जो होती है वो भी मीन्स एक बार शुरुआत हो गई तो उसको एंड अगर आपको करना है तो उसका एक ही तरीका है राइट right? आप सोच लिए, सोच लीजिएगा इसको आपको फाइनली एक ही तरीका मिलेगा दैट इज़ टॉक डिस्कशन से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अब ये जो काली रिवर है उसको क्लियरली मेंशन किया गया था किसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली में लेकिन अब नेपाल जो है वो बता रहा है कि काली रिवर जो है वो ये नहीं है इस जगह पर जो है वो काली रिवर है तो इसको लेकर फिर से जो है इश्यू की शुरुआत हो चुकी है 1953 की बात करें तो इंडिया और चाइना ने लिपुलेख पास को आइडेंटिफाई किया था उस टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया कि पिलग्रिम्स यानी कि जो धार्मिक यात्राओं पर लोग जाते थे और बॉर्डर ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था 1962 के युद्ध के बाद 1981 तक ये लिपुलेख वाली जो जगह थी ये बंद थी एटी में फिर से इसकी शुरुआत हो गई तो उस टाइम पर नेपाल जो हैं नेपाल ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडम हमने इसका इस्तेमाल करने की शुरुआत की है नेपाल को पता ही था इसके बारे में लिपू लेख के बारे में और इंडिया और चाइना के बीच में जो ये जो ट्रीटी हुई है उसके बारे में वो जानता था इनफैक्ट 1961 में महेंद्र किंग महेंद्र जो हैं वो चाइना गए और चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी जो है उसकी एक सिग्नेचर की उन्होंने तो उन दोनों के बीच में जो चाइना और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर ट्रीटी थी वो साइन हुई और उसमें इंडिया इन्वॉल्व था पिलर्स और इन सारी चीज़ों को लेकर छोटी छोटी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं बट बेसिकली कहना यह है कि इनको पता भी था कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ऑल ऑफ द सडन अब चाइन अब ये जो नेपाल है वो इसका इस्तेमाल क्यों करने लगा है मीन्स नेपाल इसको लेकर इतना सेंसिटिव क्यों होने लगा है? The thing is, के नेपाल जो है पॉलिटिक्स में इसकी जो रूट्स हैं वो आपको नेपाल के पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगी अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि exactly क्या हुआ है फिर कुछ यहां पर डिटेल्स दी गई हैं जो अगेन आप जानते हैं लास्ट डिस्कशन में हमने की थी डिस्कशन के 1981 में ये एक जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी ये दोनों नेपाल और इंडिया के द्वारा स्थापित की गई थी और 2008 तक इन्होंने जो है 98 परसेंट जितनी बाउंड्री का इश्यू जो है वो सॉल्व कर दिया सिर्फ काला पानी और सुस्ता जो है ये इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हुए थे अब भारत ने सेकेंड नवंबर 2019 को जब हमने ये जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में हमारे देश ने बदल दिया तो जो हमने मैप ऑफिशियल मैप इश्यू किया तो नेपाल इसको लेकर यू नो इश्यू उठाने लगा प्रोटेस्ट करने लगा नेपाल लेकिन हमने नेपाल की जो बाउंड्री उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हमने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जो एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट की एक स्टेट में से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में से हमने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये दो यूनियन टेरिटरीज बनाई तो हमने हमारा मैप जो है उस हिसाब से चेंज किया लेकिन नेपाल इसको प्रोटेस्ट करने लगा फिर एट्थ नवंबर को भारत ने जो काली रिवर हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एटथ एडिशन है तो यहां पर काली रिवर मेंशन है यहां पर काली रिवर मेंशन नहीं है यू you नो know, नेपाल ने प्रोटेस्ट किया तो मेंशन लेकिन फिर भी नेपाल जो है वो इसको लेकर ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगा तो इसके रूट्स कहां पर है इसके रूट्स हैं पॉलिटिक्स में ट्वेंटी अप्रैल जो मिस्टर ओली हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो काफी खराब होती जा रही है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पहले दो सालों तक उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन की आवश्यकता नहीं होती है गारंटी मिलती है उनको कि दो साल तक तो वो फे... एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दो साल तक तो आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ही अब फेब्रुवरी में ये दो साल की जो गारंटी है वो खत्म हो गई और जिस प्रकार से उन्होंने कोविड नाइन्टीन को हैंडल किया है दूसरे जो इश्यूज़ को हैंडल किया है मिस्टर ओली ने तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं उन्होंने मीन्स एक स्ट्रॉन्ग या फिर एक आप कह सकते हैं एक वीक परफॉर्मेंस उनका उनकी सरकार का है तो इसको लेकर वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट और लोग जो हैं वो काफ़ी नाखुश होने लगे थे फिर नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने भी एक वन मैन वन पोस्ट की सिस्टम निकालने की बात बताई कि या तो आप इस ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन रहें को चेयर रहें या फिर आप प्राइम मिनिस्टर बने दोनों में से एक चीज़ आपको करना होगा या दोनों में से एक ही आप हो सकते हैं दोनों चीज़ एक साथ आप नहीं हो सकते तो वहां पर ये जो एक पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इज परफॉर्मेंस तो फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने एक राष्ट्रवाद की बातचीत जो है इसकी शुरुआत कर दी इससे पहले भी वो करते आए थे राष्ट्रवाद प्रॉब्लम ये है कि नेपाली राष्ट्रवाद जो है उनकी डेफिनेशन अब इतनी बिगड़ गई है कि नेपाली राष्ट्रवाद की दूसरी तरफ है एंटी इंडियनिज़म जब आप नेपाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं तब आप बेसिकली भारत के खिलाफ You know, भारत के खिलाफ बातचीत होने लगती है मीनस ये बात बहुत ही गलत है क्योंकि भारत को जो अपनी टेरिटरीज मिली है जो बाउंड्रीज मिली है वो मिली है ब्रिटिश इंडिया में से राइट right? और ये ब्रिटिश इंडिया ने उस टाइम पर जो ब्रिटिश राज था उन्होंने ये सारे देशों के साथ एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1950 की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप तो उसमें जो भी ब्रिटिश इंडिया के साथ हमारी बाउंड्रीज थी उन सारी बाउंड्रीज़ को नेपाल भी एक्सेप्ट करता था हम भी करते थे और इसी को लेकर फिर हमारे रिलेशनशिप जो है वो हमने आगे बढ़ाया कि नेपाल के लोग यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें लेकिन इन सारी चीज़ों को एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है भारत को एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं भारत का भी कसूर है जब नेगेटिव ऐसी चीज़ें चलती हैं तब भारत कुछ नहीं बोलता है यू नो हमें हमारी भी एक प्रकार की हम भी हर एक देश को कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी से जब भारत को एक स्टैंड उठाना चाहिए था जब भारत के खिलाफ नेगेटिव ऐसी चीज़ें पॉलिटिक्स में बातचीत की जा रही थी तब तो भारत को थोड़े अपने भी यू you नो know, अपनी भी एक, एक, एक प्रकार से मार्केटिंग करने की ज़रूरत थी लेकिन वहाँ पर शायद हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट ब्लॉक्स के बारे में एज बी ऑल नो अब इस ये एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो नेचुरली आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो ड्रॉप होगा ही तो भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें हमें एक सिक्सटी परसेंट जितना ड्रॉप देखने को मिला है तो इट्स लाइक ए फ्री फॉल फ्री फॉल यानी कि विदाउट एनी फ्रिक्शन आप एक बिल्डिंग के ऊपर से जंप मार रहे हैं कोई भी चीज़ नहीं है तो एक जोर से गिरेंगे तो ऐसी ही चीज़ जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है फिर गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है तो इसमें एक्सपोर्टर्स को लेकर कोई खास ऐसी सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं की है एक्जिम बैंक को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है उनके लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपए बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ और जो मैक्सिमम परमिशेबल क्रेडिट दी गई है तो उसमें भी पहले बारह महीनों का टाइम था तो अब इसको पंद्रह महीने का कर दिया है तो ये भी कोई ऐसा बड़ा सपोर्ट नहीं है एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको अपना रिफंड टाइम पर मिले और एक्सपोर्ट सेक्टर को जो सपोर्ट चाहिए चाहे ये मैन पावर के टाइम मैन पावर के कंटेक्स में हो पैसों के कॉन्टेक्स में हो फैसिलिटीज के कंटेक्स में हो तो ये चीज़ हमें प्रोवाइड करनी होगी और इंटरनल जो हमारी इंटरनल एज वेल एज़ इंटरनेशनल ये दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सप्लाई चेन जल्द से जल्द एक्टिव हो ये हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम दिस वन इज़ अबाउट चाइना अगेन डियर फ्रेंड्स जो मैंने नेपाल के बारे में आपको बताया वही चीज़ यहां पर एप्लीकेबल है नेपाल के बारे में ये चाइना के बारे में भी अभी दो तीन दिन पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कशन की है अगेन सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है मैं बेसिक चीज़ें फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ ओके okay, तो ये जो डी बी हैं इसमें इसमें जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसको लेकर इश्यूज़ की शुरुआत हुई बेसिकली चाइना ने अपना कंस्ट्रक्शन जो है बॉर्डर एरिया पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज उन्होंने क्रिएट कर दी अब जब भारत ये फैसिलिटीज क्रिएट कर रहा है तो चाइना को प्रॉब्लम आ रहा है दोनों देशों के बीच में ये क्लियर ऐसे एग्रीमेंट्स हैं कि जो भी चीजें आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में रखेंगे यानी कि एक दूसरे को बताएंगे कि देखिए ये हमारा प्लान है हम यहाँ पर ये बना रहे हैं थिंग्स लाइक दैट लेकिन चाइना की एक आदत है ट्रस्ट मी आई एम नॉट सेइंग कि मुझे चाइना से नफरत है या ऐसा कुछ है जेन्यनली चाइना जो है वो एक ऐसा देश है कि उनको हरेक देशों के मीन्स जितने भी देश बॉर्डर अगर शेयर कर रहे हैं अगर थोड़ा दूर भी हैं देश राइट तो भी आप देखिएगा कि चाइना को हर एक देश के साथ कुछ ना कुछ इश्यू जो हैं वो रहता ही है 1962 का वॉर जो है वो भी ऐसे ही हुआ था धीरे धीरे जो अपनी बॉर्डर्स हैं वो एक्सटेंड करते गए और फिर 1962 का वॉर हुआ ये तस्वीर में लास्ट टाइम जब आपके साथ डिस्कशन कर रहा था आई ट्राई टू फाइंड दिस वन ये मेरे पास इंफोग्राफिक, uh, पता नहीं कुछ सालों से हैं लेकिन uh, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं इसे मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसके उसको एक एविडेंस मिल गया यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर चाइना कितने सारे देशों के साथ ये थोड़ा ब्लर है सो बेग यू पार्डन मीन्स मुझे माफ़ कीजिएगा इसके बारे में आई कुडन फाइंड द बेटर वन लेकिन यही है बट uh, इनाफ है तो देखिए यहां पर कि चाइना कितने सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है राइट हर एक देश के साथ कुछ ना कुछ इश्यू एक भूतान जो दुनिया का सबसे जो छोटे देश है उनमें से एक देश है भूतान बहुत ही छोटा देश है उनके साथ भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ इश्यू चाइना का है तो हर एक किर्गिस्तान तज, तजिकिस्तान नेपाल म्यांमार जापान राइट मंगोलिया केम्बोडिया लाओस हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हर एक देशों के मीन्स इतने सारे देशों के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ उनके चलते रहते हैं तो ये एक प्रकार से उनका स्वभाव है या फिर उनका एक प्रकार से काम करने का तरीका ही है अगेन इन 2007 थाउजेंड सेवन चाइना परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर इन द पाग इन द लद्दाख सेक्टर इन सिक्किम एंड इन मैनी अदर प्लेस अपीयर टू चेंज टू थाउजेंड सेवन में भी चाइना देखा हमने कि चाइना जो है वो मीन्स अरुणाचल प्रदेश को अपने में दिखा रहा है फिर सिक्किम के एरिया में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है लद्दाख के एरिया में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है तो ये सारी चीज़ें हुई 2017 में सबसे बड़ा इशू हुआ ये जो डोकलाम वाला पूरा इश्यू हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया था चिकन नेक्स एंड थिंग्स राइट कि चिकन नेक्स क्या है क्यों इंपॉर्टेंट है तो फिर ये डोकलाम वाला स्टैंड ऑफ जो है वो काफ़ी एक बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया था मीन्स एक सुम दो सुमदोरोंग चू इंसिडेंट ये हुआ था एटी सिक्स नाइन्टी सेवन में उसके बाद उसके तीस सालों के बाद एक बड़ा हमें इंसिडेंट देखने को मिला और वो था 2017 का डोकलाम इशू इतने 30 इयर्स में 1886 से 1897 ओके okay, 1986 से 1987 ये जो पीरियड है उसके लगभग 30 सालों तक 2017 तक कोई ऐसा बड़ा इशू हमें देखने को नहीं मिला और 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्वलिटी एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें हुई पेट्रोल्स होते रहते हैं उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं पेट्रोल्स यानी कि जो एक यू नो नज़र रखी जाती हैं सर्वेलेंस तो इन सारी चीज़ों के भी प्रोटोकॉल्स हैं और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी और फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो कुछ छोटे बड़े प्रॉब्लम्स होते रहते हैं या फिर हो सकते हैं लेकिन फिर उनको जानबूझकर एक्टिव करना ये जो चीज़ें होती हैं ये जो टैक्टिक्स हैं ये काफ़ी गलत है इससे रिलेशनशिप जो है वो एक लंबे टाइम तक थोड़े डिस्टर्ब हो जाता है दूसरी जो प्रो, चीज़ प्रॉब्लम है चाइना के साथ वो ये है कि हॉटलाइंस हॉटलाइंस का मतलब ये होता है कि ए और बीच बी के बीच में अगर हॉटलाइन है तो एक टेलीफोन है ये टेलीफोन जब आप पिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर रिंग बजने की शुरुआत हो जाएगी यू नो यू डोंट हैव टू है एक हॉटलाइन जो है वो ऐसे ही होती है कि आप यहाँ से फोन ऐसे उठाएंगे तो वहाँ पर रिंग बजने लगेगी तो जस्ट समझाने के लिए है तो ये जो हॉटलाइन है ये दोनों देशों के बीच में है लेकिन जब चाइना प्रॉब्लम करना चाहता है तब ये हॉटलाइन को भी आंसर नहीं करता है एक्सपेक्ट यही होता है पर हॉटलाइन के प्रोटोकॉल्स जहाँ तक मुझे पता है तब ऐसे ही होते हैं कि आपको आंसर करना रहता है लेकिन चाइना जानबूझ कर 2013 में जब श्री जिनपिंग यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पर बॉर्डर इश्यूज़ चल रहे थे मीन्स एक तरफ प्रेसिडेंट यहाँ पर थे और दूसरी तरफ लद्दाख में इश्यू चल रहे थे तो उस टाइम पर भी वो हॉटलाइन जो है वो नहीं उठाते थे और अब चाइना जो है वो जानता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करना भी पड़ेगा अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप चाइना इंडिया के साथ करते रहेंगे तो फिर इंडिया जो है वो यू के पक्ष में चला जाएगा और अगर यू और इंडिया एक हो गए तो फिर चाइना का जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाएगा ये दूसरा आर्टिकल जो है बेजिंग्स लडाख ब्रिंकमैनशिप ये भी इसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है ये एक प्रकार की जैसे मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया इसी प्रकार से ध्यान को दूसरी तरफ आकर्षित करने की एक टेक्निक है ऑलरेडी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चाइना में डाउन है दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है कि आपने कोरोना वायरस की शुरुआत की आपने जानबूझकर नहीं बताया तो वहां के लोग भी डिस्टर्ब हो चुके ऐसा नहीं है कि चाइना के लोग हंस रहे हैं चाइना के लोग भी परेशान हैं कि ये लीडरशिप जो है वो क्या करेगी क्या युद्ध होगा युद्ध होगा तो उनका भी प्रॉब्लम होगा अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो सैक्शन आएंगे क्या क्या चीज़ें होगी तो उनका भी बिजनेस है उनका भी परिवार है तो चाइना जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो अब चाइना जो है वो ये चीज़ ये टैक्टिक्स कर रहा है कि अलग अलग जगहों पर इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है अब देखिए साउथ चाइना सी में कितने सारे देशों के साथ उनके इश्यूज़ हैं अभी फिलहाल ताइवान फिर हांगकॉन्ग काफ़ी न्यूज़ में रहता है आपको पता होगा आज भी न्यूज़ में है इंटरनेशनल पेज में आप देखेंगे तो उन्होंने एक लॉ पास किया है चाइना ने हांगकॉन्ग को लेकर तो ये इश्यूज़ हैं फिर यूएसए और चाइना जो है वो इस साउथ चाइना सी ताइवान वाला टॉपिक जो है फिर फिलीपींस की भी मदद करेगा यूएसए तो ये सारी जगहों को लेकर भी काफ़ी इश्यूज़ जो हैं तो उसमें भी कन्फ्रंटेशन जो है वो बढ़ सकता है दोनों यू और चाइना का तो ये ओवरऑल सिचुएशन है चाइना की कि ध्यान को दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए चाइना जो है वो शायद जानबूझकर इस प्रकार की टैक्टिक्स जो है वो खेल रहा है ताकि कोरोना वायरस से वो बच सके कोरोना वायरस के ब्लेम से वो बच सकें मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स वर्किंग विद चाइना टू रिज़ोल्व एल एस सी इश्यू ये बताया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो मैंने आपको थर्टीन रीजन के बारे में बताया तो यहाँ पर मुंबई चेन्नई दिल्ली अहमदाबाद थाने पुणे हैदराबाद कोलकाता इंदौर जयपुर जोधपुर चंगालप्टू माफ़ की जगह थोड़ा साउथ इंडिया के नेम्स जो हैं वो इतने फेमिलियर नहीं हैं मेरे लिए एंड थ्रिवलोर तो ये तेरा ऐसे सिटीज़ हैं डोंट चार्ज माइग्रेंट्स बस और ट्रेन फेयर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है सिक्योरिटी uh, फोर्सेस एक कार बॉम्बिंग पुलवामा टाइप एक सुसाइड बॉम्बर अटैक करने वाला था लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको उसका प्लान जो है वो चौपट कर दिया दुखद बात ये है कि ये जो मिलिटेंट है वो भाग गया है बट होपफुली ये जल्दी पकड़ा जाएगा और भारत की जो ट्रायल्स हैं Uh, वो अक्टूबर तक होपफुली ख़त्म हो जाएगी एंड दैट्स एवरी थिंग इन टूडे इज़ अ डिस्कशन डिफरेंस आज जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉकेट्स टॉपिक्स जो हैं वो हमने एक रीज़नेबल uh, टाइम में डिस्कस कर लिए हैं तो अगेन प्लीज़ मेक श्योर कि आपको लगे कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको इस एनालिसिस की आवश्यकता है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो की जो पीडीएफ डी एफ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो वो भी उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा उनको इसके बारे में इस सीरीज़ के बारे में बताइएगा हमारी चैनल जो है हमारे एफर्ट्स जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर के यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू सून टिल देन एनजॉय यूर स्टडीज़ गॉड प्लस यू ऑल जय हिंद